Hi guys, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing safe and sound. So I'm back again with my MT's video, a video in which I will share all the products that I've finished up using in the last month, the month of May, my reviews on it, whether I'll be repurchasing them or not. And if you find my voice little off or you find me out of breath, please ignore it because I'm still recovering from a viral. And now without any further delay, let's just get the video started. So the first product that I finished up using in last month is Simple Micellar Cleansing Water. This I purchased from Nykaa. I think Nykaa for us time pay, there were few products that were on 50% off sale. So I purchased it, I emptied it, and I really like it because it is quite gentle, very suitable for all type of skins. Agar aapka skin एक्ने प्रोन भी है, सेंसिटिव भी है, तो भी इट इज़ गोना सूट यू रियली वेल. एट द सेम टाइम ये मेकअप भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है. मैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बट जितना भी करती हूँ उतना ये बहुत आसानी से रिमूव कर देता है. और कोई भी ब्रेकआउट्स वगैरह इसने मेरे स्किन को नहीं दिया. व्हाटएवर इट इज डिजाइन फॉर, ये अपना काम एकदम प्रॉपरली तरीके से करता है. बिल्कुल भी आपके स्किन को ये अनकम्फर्टेबल नहीं करेगा और बहुत ही अच्छे से आपका मेकअप रिमूव कर देगा. तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा यूज़ में, और अगर मुझे रिपर्चेज करना हुआ तो मैं डेफिनेटली इसको रिपर्चेज करूँगी. तो द नेक्स्ट एंट्री इज अ केमिकल पील फ्रॉम डॉट एंड की. कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था माय केमिकल एक्सफोलिएशन, और उसमें मैंने ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया था. उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, और आई थिंक उसके दो या तीन यूजेस के बाद में ये प्रोडक्ट एम्प्टी आउट हो गया है. This is a very good product. Product has benefited my skin quite a lot. इसे लगाने के बाद में मेरा फेस काफ़ी अच्छा ग्लो करता था, काफ़ी क्लीन हो जाता था, और जितने भी डेड स्किन होती थी या जितने भी मुझे ब्लैकहेड्स का इशू बहुत ज़्यादा है, तो वो उससे काफ़ी हद तक क्लीन हो गए थे. और मैं डेफिनेटली इसको रिपर्चेज करूँगी, और मैं आई वुड रिकमेंड इट टू यू ऑल्सो. अगर आप भी केमिकल एक्सफोलिएशन करते हैं और अभी तक आपने ये ट्राई नहीं किया, तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है ये. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आई विल डेफिनेटली गिव इट अ रिपर्चेज. द नेक्स्ट एम्प्टी इज अ मॉइस्चराइजर फ्रॉम फेसेस कैनेडा. मैंने नायका के आई थिंक किसी सेल से परचेज किया था नायका पर, तब फेसेस कैनेडा पर कोई सेल थी, बाय वन गेट वन फ्री. तो आई बॉट दिस वन, और मैंने इनका एक टिंटेड मॉइस्चराइजर भी लिया था. तो आई एंड अप बाइंग टू मॉइस्चराइजर्स एट दैट टाइम. तो ये मॉइस्चराइजर आई थिंक इसमें एक SPF 15 का भी फैक्टर है, तो सिर्फ ये मॉइस्चराइजेशन नहीं देता है, आपको थोड़ा बहुत SPF प्रोटेक्शन भी दे देता है. उतना तो नहीं है कि आप इसे लगा के बाहर चले जाएं विदाउट अप्लाइंग एनी अदर सनस्क्रीन ऑन टॉप ऑफ इट, बट एटलीस्ट बेसिक सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन तो ये आपको दे ही देगा. अगर आप घर में हैं और आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस प्रोडक्ट. घर पर अगर आपको लगाकर रखना है तो आप डेफिनेटली इसको लगा के रख सकते हैं. इसके साथ में इशू ये था कि ये क्रीम बेस्ड है ऑब्वियसली, तो स्किन पर थोड़ा सा स्टिकी लगता था. तो मैं बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट इसका लगाती थी अपने फेस पर. इससे लगाने के बाद में अगर मैं कोई सनस्क्रीन मुझे चाहिए, तो वो डेफिनेटली मैट सनस्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं कोई क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरा स्किन बहुत ऑयली हो जाता है उस केस में. बट आई थिंक ये ड्राई स्किन वालों को काफी अच्छा सूट करेगा. इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर इन दैट केस. अगर आप ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं. इट इज गोना सूट यू वेरी वेल, दैट आई एम प्रीटी श्योर ऑफ. ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी आई थिंक यू विल जस्ट एंड अप यूजिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस, एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. बट मैं शायद इसको रिपर्चेज नहीं करूंगी, क्योंकि एनीवेज इसमें एक SPF 15 का फैक्टर है, दैट इज गुड. बट एनीवेज इसे लगाने के बाद में मुझे SPF लगाना ही है, और मॉइस्चराइजेशन इसका मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा था, तो आई विल नॉट बाय दिस वन. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एक्चुअली नॉट एन एम्प्टी, इट्स काइंड ऑफ डिस्कार्डेड प्रोडक्ट आई वुड से. इट्स अ कोम फ्रॉम अर्थ रिदम, इट्स अ नीम वुड कोम एज दे वर सेइंग और एज दे आर मेंशन ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो. तो ये एम्प्टी नहीं हुआ है, बट ये खराब हो गया है, और आई थिंक ये खराब हो गया था. ये आया था मेरे पास में उसके आई थिंक दो या तीन दिन में ये खराब हो गया था. मैंने ट्राई टू कोम, बट ये सर में कुछ लगे नहीं रहा था. मेरी मम्मी बोलती है कंघा ऐसा करना चाहिए सर में जो थोड़ा सा लगे, अगर वो लगेगा तो मे बी वो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन सर में बढ़ाएगा, और उससे आपकी हेयर जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी. इट डजंट फील कि आप कोम कर रहे हो. अगर आप इससे कोम करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोम कर रहे हो. और आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू शो यू,
बट इसकी कई जगह पर जो इसकी पॉलिश है वो निकल गई है. एंड दैट हैपेंड आई थिंक ऑन द वेरी सेकेंड डे ऑफ इट्स अराइवल. तो मैंने ये यूज ही नहीं किया और ये आई थिंक दो या तीन यूज में ही, पहली बात तो ये सर में लगा ही नहीं कुछ, इससे फर्क ही नहीं पता चल रहा था सर में और ये खराब पहले हो गया. अब मैं इसको अगर कॉम करने का ट्राई करती हूँ तो बीच में जो उसके ग्रूव्स टाइप कुछ बन गए उसमें मेरे बाल फंस जाते हैं. तो आई थिंक ये कॉम भी ऐसा लग रहा है कि अगर हम बाहर भी कहीं जाते हैं, कहीं बाहर मार्केट में, तो आपको ठेले पर भी मिल जाएगा ये. आई थिंक 100-150 रुपीज में जो नीम कॉम्स मिलते हैं वो आई थिंक वही रहते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा कॉम नहीं बनाया है. मैंने अर्थरिज्म के बहुत सारी चीजें यूज की है एंड आई रियली लाइक दोज प्रोडक्ट्स, बट ये कैसा है कि इट हैज डिसअपॉइंटेड मी टू द कोर. बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आई डिड नॉट लाइक इट एंड आई वुड नॉट रिकमेंड एनी ऑफ यू टू वेस्ट योर मनी ऑन दिस. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ फेस वॉश फ्रॉम द मॉम्स को, इट्स द नेचुरल ग्रीन टी फेस वॉश. दिस आई परचेज फ्रॉम क्रेड, क्रेड पे काफी अच्छे डिस्काउंट पर उस टाइम ये मिल रहा था तो मैंने ये परचेज किया. नाउ ये फेस वॉश में कोई भी ऐसा बहुत खराब तो नहीं है और बहुत अच्छा भी मैं बोलूंगी नहीं है. इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट बट इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा मेहनत लगती है क्योंकि स्किन पे बहुत इजीली स्प्रेड नहीं होता है, तो यू रियली हैव टू वर्क इट ऑन योर स्किन उसको लैदर करने के लिए या उसको पूरे फेस पर अप्लाई करने के लिए. एक बार वो हो जाता है तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है. कोई भी रैशेज या ब्रेकआउट्स वगैरह का इससे कुछ ऐसा सीन नहीं है कि आपको कोई रैशेज या ब्रेकआउट्स होंगे. बट एट द सेम टाइम जैसा कि ये बोलता है कि एक्ने दैट इट कंट्रोल्स एक्ने, वैसा तो कुछ नहीं होता ऑब्वियसली क्योंकि एक वॉश ऑफ प्रोडक्ट है. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जेंटल प्रोडक्ट और अ जेंटल फेस वॉश टू क्लेंज योर स्किन देन यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. प्रेफरेबली तो मैं इसको रिपर्चेज नहीं करना चाहूंगी बट अगर मैं रिपर्चेज कर भी लूंगी तो ये मुझे उतना कुछ दुखेगा नहीं बिकॉज इट इज अ डिसेंट प्रोडक्ट. बट बिकॉज इसके एप्लीकेशन की वजह से, सिर्फ एक उस रीजन की वजह से, आई माइट नॉट रिपर्चेज इट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ फेस वॉश एंड इट्स फ्रॉम हर्ब आइलैंड. नाउ ये ऐसा फेस वॉश है जो मैं कभी भी रिपर्चेज नहीं करूंगी. मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि वो उसको खरीदे. बाकी आपकी अपनी चॉइस है, वट एवर यू वॉन्ट टू बाय यू कैन डेफिनेटली बाय. अगर आप उसको चांस देना चाहते हैं तो बेशक दे सकते हैं. बट ये ऐसा फेस वॉश है कि बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई कर देता है, एकदम से पूरा मॉइस्चर सकआउट कर लेता है. अप्लाई करना भी उतना बहुत ईजी नहीं है. इफ यू कैन सी देर आर सम नीम लीव्स ऑन टू द बॉटम दैट आई कैन स्टिल सी, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्ने पर इतना तो इफेक्ट नहीं करेगा कि एक मिनट नीम लीव्स लगा लिया तो उससे आपका फेस बहुत क्लीन हो जाएगा, एक्ने कंट्रोल हो जाएंगे या करेक्ट हो जाएंगे, वैसा तो कुछ नहीं होगा. बट इतना ज्यादा ड्राई कर देता है ये स्किन को और मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट इवन ड्राई. तो अगर कोई ड्राई स्किन वाला तो डेफिनेटली इसको करेगा तो उसकी स्किन खराब हो ही जाएगी. बट आई वुड रिकमेंड इट फॉर ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन पीपल एज वेल क्योंकि ये स्किन बहुत ज्यादा ड्राई आउट करता है और उतना ड्राई आउट करने की जरूरत नहीं है. देर आर प्लेंटी ऑफ फेस वॉशेज अवेलेबल जो आपका फेस बहुत आसानी से क्लीन करते हैं विदाउट ड्राइंग इट आउट, तो आप उसको ट्राई कर लीजिए. बट आई थिंक यू कैन गिव इट अ मिस. द लास्ट फिनिश फॉर द मंथ ऑफ मे इज अ बुक. द बुक इज नेम्ड एज इकिगाई. आई नो बहुत ही फेमस बुक है बट मैंने बहुत टाइम बाद जाके अब जाके पढ़ी और फिनिश की है. ब्रिलियंट बुक, बहुत ही छोटी सी बुक है. अगर बुक है तो आप बहुत जल्दी इसको पढ़ के फिनिश कर सकते हो अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है तो. आई थिंक दिस बुक टेल्स यू द रीजन टू वेक अप एवरी डे टू डू समथिंग सो दैट यू कैन बी हैप्पी. And the happiness comes from anywhere, from anything, from the source can be anything. तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है और उसी एक चीज के लिए ये एक बुक पूरा डिजाइन है. इट्स नॉट अ सिंगल थिंग दैट इज बीन डिस्कस देयर. इट्स अ प्रोसेस दैट यू हैव टू डू टू गेट इन टू दैट स्टेज. इफ यू वॉन्ट गुड हेल्थ हाउ यू कैन अचीव इट, इफ यू वॉन्ट अ साउंड माइंड हाउ यू कैन अचीव इट, एंड इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट हाउ यू कैन अचीव इट, इफ यू वॉन्ट टू गेन वेट देन हाउ यू कैन अचीव इट. So all sort of things is being discussed here and I would urge all of you to read it once at least so that you can understand what is the purpose that they are telling you to achieve or to aim so that you can make something good out of this book and something good out of your life and out of your everyday situations. So it just tells you that. So I would highly recommend this book to everyone.
so that's it for this video. I really hope that you like it, and if you did, then do share it with your friends and family as well. If you're new to my channel, then consider subscribing as well, and I will see you very soon in my next video. Till then, take very good care of yourself. Stay happy, stay safe. Bye.